गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगर मनु। मैं जा रही हूँ फटाफट से जिम। 6 आज यहीं बच गए हैं क्योंकि मम्मी बाहर का ताला लगा गए थे। तो फिर उनको कॉल वॉल किया, फटाफट से बुलाया, पार्क में घूम रहे थे। मैंने कहा आएंगे तब भी टाइम लगेगा यार। तो जस्ट इन 6 मिनट्स फटाफट से ले आई हूँ गाड़ी। मैंने कहा यार जल्दी पहुँचते हैं क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी लेट कर दिया। देर इज नो बडी, मतलब मैं आती हूँ ना तो तब तक कोई भी नहीं होता है, कोई भी। डन विद द जिम। आज लेट हो गया थोड़ा, लेट नहीं वैसे 7:30 का ही टारगेट था मेरा, तो 7:30 ही मैंने घर जाना है। तो इस 7:20 10 मिनट लगते हैं तो मैं 7:30 पहुंच जाऊंगी। चलते हैं पहले। चले, आज तो आई थिंक बेटू उठ गया होगा मेरा। आई एम बैक एट होम 7:38। खोलना, क्या कह रहा है चीकू? मेरा चीकू उठ गया था, दूध पीला था। मम्मा आई थी तब, मम्मा की आवाज नहीं आई थी क्या कि खोलो? बेल बजी तब भी नहीं आए थे आप। नहीं नहीं आ रही है क्या अभी? इधर देखो मम्मा की चाय किची कल, तो मम्मा को मॉर्निंग किची करो। अभी चाहिए मुझे तो, नहीं कोई कुछ नहीं चाहिए, बस बेतु की किची चाहिए। किची कलो देखो, ऐसे ऐसे चल आगे। 8:10 हुए हैं और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। नहा ली हूँ आते ही थोड़ी देर, पसीना सुखा के बेटू को भी नहला दिया है मैंने। बेटू अपना क्या कर रहा है? दूध पी रहा है, सुंदरकांड पाठ देख रहा है। अब मैं आई हूँ किचन में, सब्जी फ्राई कर देती हूँ। इतने में मम्मी मंदिर जाके आ जाएंगे, एक एक करके जाते हैं आज, देखते हैं कैसे मैनेज होता है। चेंज कर लिया है मैंने, मतलब ऐसा हो गया था कि आई वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल इन दैट। बिलपत्र नहीं है क्या आज? है। अच्छा, ये सब छोड़ के गई है मम्मी। मम्मी सुबह सुबह घूमने जाते हैं ना तो तोड़ लाते हैं बिलपत्र, आंकड़ा और जो भी चढ़ता है शिव जी के वो सब। और बस अब मैं फटाफट से ये अरेंजमेंट करती हूँ, देन आप लोगों से मिलूँगी। पीछे सब कुछ तैयार है, ब्रेकफास्ट लंच वंच पूरा तैयार है सब कुछ। मनीष ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 9 बज गए हैं। आई एम गोइंग रनिंग, मतलब आधा घंटा लगेगा मुझे मंदिर में। Many minutes later. बहुत लेट हो गया मंदिर में ही, और गाड़ी ऐसे आड़ी टेढ़ी खड़ी कर देते हैं। लिटरली सामने गाड़ी खड़ी गई हुई है, पीछे गाड़ी खड़ी करी हुई है। अभी बोला आप चाबी लेने गई है तो भैया लेके आ बहन, यार कहाँ है? अब हटा रही, देखो एकदम सामने गाड़ी खड़ी हुई है, पीछे भी देखो पीछे गाड़ी खड़ी हुई है। भागते भागते ऑफिस पहुँचे, सॉरी ऑफिस की, हम मेट्रो पहुँची हूँ अभी तो। फाइनली मैं पहुँच हो गई, आज मैं एस्केलेटर से लेने वाली हूँ। बहुत जल्दी हो गई, सुबह से भाग रही हूँ। Later. तो जी मैं लंच करने के बाद में आ गई हूँ वॉक करने। ज़्यादा देर नहीं करूँगी आज, मैक्सिमम 20 मिनट, एंड देन फिर आई विल गो बैक बिकॉज काम बहुत पड़ा हुआ है आजकल, काम बड़ा चल रहा है मेरे ना। सो आज जा रही हूँ मैं ई रिक्शा से। एक्चुअली लेट हो गया, काम करते 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 पता ही नहीं चला, टाइम देखा अचानक से 6:45 हो रहे हैं। मैंने कहा निकलो फटाफट से क्योंकि अदरवाइज सारा रूटीन गड़बड़ हो जाएगा। बाकी काम इतना है कि करते रहो तो मुझे रात के 10 बज जाए, तो लेट्स सी अगर घर जाके वैसे लेट निकली हूँ, पता नहीं टाइम तो नहीं मिलेगा शायद। बट अगर टाइम मिल गया तो फिर लॉग इन करके काम निपटाना है मुझे। तो बहुत वर्क प्रेशर है और एक बहुत अच्छी फील आ रही है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। मेट्रो पहुँचा हूँ एक बार आराम से। अच्छा तो मैं मेट्रो पहुँच गई हूँ। हाय रॉन्ग, कितना ट्रैफिक है। ये देखो, ये है दिल्ली की सड़कें। बाप रे, लिटरली बहुत भयंकर ट्रैफिक है। और आज तो स्पेशली
बहुत ज्यादा दिख रहा है मेरे को। मैं ये बोल रही थी ना कि कुछ अच्छी चीज है, मतलब ना अच्छी चीज क्या कि यहाँ जो दिल्ली में बागेश्वर धाम के जो गुरुजी हैं, जो हमारे गुरुदेव है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो आ रहे हैं, वो कथा करने आ रहे हैं। एक दिन का दरबार लगाएंगे और 5 तारीख है, आज कलश यात्रा निकली होगी, लेकिन वो जो है कल सुबह आएंगे पंडित जी जो गुरुदेव है, वो कल आएंगे और आज से कलश यात्रा निकलेगी। आज सिर्फ कलश यात्रा है, कल से हनुमत कथा शुरू होगी। वो मतलब 6, 7, 8 तीन दिन तक है। 8 को सैटरडे है और दरबार जो लगेगा वो 7 तारीख को लगेगा, 7 को फ्राइडे। अब मैं सोच रही हूँ भगवान, मैंने इतनी दुआ करी है, मतलब कबूल कर ले भगवान मेरी ना, कि मतलब कैसे भी करके पहुँचा दो मेरे को दर्शन करने हैं गुरुदेव के, उनसे मिलना है और बस उनके वहाँ जाके उनकी वाइब्स लेनी, क्योंकि दूर से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे को जाना है, उनको देखना है, उनसे बातें करनी है, मतलब मेरे को बस चाहिए उनके दर्शन चाहिए मुझे, और उनकी कथा जो भी है वो सब सुनना है मेरे को, वहाँ का माहौल देखना है। वहाँ मुझे पता है, मतलब इतनी दूर से ही हम देखते हैं उनको, तो मेरे को स्पेशली जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, पॉजिटिविटी जो आ रही है ना हर चीज़ को लेके, वो उन्हीं से है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि मतलब एक छोटी सी चीज़ ने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया है, तो इसलिए मुझे चाहिए कि वो दिल्ली में ही आए हैं, मतलब बागेश्वर धाम तो पता नहीं कब जाना होगा, बट वो दिल्ली में ही आए हैं, और यहीं अगर मैं नहीं मिली ना उनसे, तो पता नहीं मैं कभी मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी। तो आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे को जाना है, जाना है, जाना है। तो जैसे भी करके फ्राइडे को, या तो कल, तो आई डोंट नो क्योंकि मेरे को काम का लोड इतना है तो मैं कल नहीं जा पाऊंगी, और फ्राइडे को मैं सोच रही हूँ कि मैं बोल दूंगी, मतलब फ्राइडे को जैसे हमारा इसराइल वाला ऑफिस ऑफ होता है उनका, तो मैं फ्राइडे को पूरी रात चाहे काम कर लूँगी, पर पूरा दिन मैं बोल दूंगी कि मेरे को रात में काम कर लूँगी, मैं छुट्टी तो नहीं चाहिए मुझे, बट मैं दिन में वहाँ जाके पूरे दिन मेरे को वहीं रहना है, और सैटरडे तो फिर छुट्टी आई, तो या तो सैटरडे कर लूँगी या पूरी रात कर लूँगी, ऐसे करके बैलेंस कर लूँगी, बट मुझे जाना है, जाना है। मतलब इतनी इच्छा हो रही, लिटरली वो यहीं आ गए हैं, तो क्यों ना मतलब ऐसा है कि मिला जाए मेरे को। बहुत बहुत मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितने चेंजेस हैं और क्या हुआ है। तो दैट्स व्हाट आई वांट कि आई नीड टू गो एनी हाउ। तो दैट्स इट, अभी के लिए बस वेट करते हैं मेट्रो का, और यही मेरी मतलब एक इंटरनली पॉजिटिविटी और इंटरनली खुशी का मेरा बहुत सुबह से दिल में लाट सी हो रही है, भगवान बालाजी महाराज कुछ कर दो कर दो कर दो, आई नीड टू गो, मेरे को बस जाना है कैसे भी करके, कुछ भी करके। तो अब आपको लग रहा हो इतना मुश्किल क्या है, जाना है जाना है, चले जाओ, बट वहाँ पर जिनकी कृपा होती है ना वही पहुँच पाता है, लिटरली मतलब लाखों की तादाद में मैंने देखा वीडियोज़ में, और इनमें ना जो उनका ऑफिशियल चैनल है, कि लोग पहले से ही आके वेस्ट बंगाल से पता नहीं कहाँ कहाँ से आके वो पंडाल में आज ही सो जाएंगे, वो लोग दूर दूर से आए, और इतना मतलब बहुत कुछ चलने वाला है वहाँ पे। तो मेरे को तो जाना है एनी हाउ, एक दिन मिला तो एक दिन, दो दिन मिला तो दो दिन, जितने दिन मिलेंगे आई नीड टू गो, आई हैव टू गो। सो हम लोग आ गए हैं अभी डिनर के बाद घूमने, मनीष अपना कॉल ले रहे हैं, आगे फ्रेंड से बात कर रहे हैं ये। तो बस ये था आज का दिन, आते ही मैं जो है काम में लग गई, घर आते ही तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी, सुबह घर से जाती हूँ तब तक भी टाइम नहीं मिलता, घर आते ही बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो बस वही सब खाना पीना है नॉल चला, काम करने का तो अभी तक टाइम भी नहीं मिला मुझे, सोचा कल करूँगी यार। तो फिर अब वही है कि चलिए इस व्लॉग को तो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, इफ़ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मनीष की छाया आ रही थी, मैं सोची अंधेरा आ रहा है मेरे ऊपर, तो चलिए बाय बाय, मिलता आपसे नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग के साथ में।